धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मेरे लिए निर्देश हुआ है आप सबके समक्ष थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। प्रकृति का नियम है, हम जैसा करते हैं वैसा हमको मिलता है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार से हमारा फल बनता जाता है। इसको देने वाला कौन है? कर्म का फल देने वाला कोई अलग से भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, परमात्मा नहीं है। प्रकृति के नियम के अनुसार से कर्म संचालित होता है। एक आदमी है जो भगवान की उपासना करता है, भगवान को जपता है, रोज जपता है, लेकिन कभी भी वो कितना ही भगवान की प्रार्थना कर दे, जब भी वो आग में हाथ डालेंगे अपना तो आग हाथ को जलाएगी, चाहे भगवान के उपासक हो चाहे भगवान के उपासक ना हो, किसी को मानते हो चाहे किसी को ना मानते हो, ये प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही हमारे हर कर्म का अनुसार हर कर्म ऐसे ही फल मिलता है। कोई कर्म का फल देने वाला नहीं है, इसलिए हमको बहुत सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। हम जो दूसरों एक जीवन का नियम है ये, हम जो दूसरों के जीवन में बोते हैं वह अपने जीवन में काटते हैं। हम जो दूसरों के जीवन में बोते हैं वह अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के साथ प्रेम बोते हैं तो अपने जीवन में प्रेम का फसल काटते हैं। दूसरों के साथ सम्मान का भाव है, धैर्य का भाव है, आदर का भाव है, सत्कार का भाव है, ये बीज दूसरों के लिए बोते हैं तो वह फल अपने साथ अपने लिए काटते हैं। बोते कहीं और है, काटते हम अपने जीवन में। इसलिए कभी किसी के लिए नफरत न बोए, हमेशा सभी के लिए आदर और सम्मान, सभी के लिए सत्कार का भाव हो तो जीवन में एक तरंग पैदा होता है। आज अवसर मिला है हम सबको अपने जीवन को संवारने का, आज अवसर मिला है हम सबको जीवन में एक आनंद भरने का, अपने अंदर एक प्रसन्नता और उल्लास भरने का, लेकिन हम कटुता भरते चले जाते हैं और अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि मैंने जीवन में बहुत सारे गलत कर्म किए, उसी का परिणाम आज मुझे मिल रहा है। मैं लोगों से निवेदन यही है कि अब वो समझ में आ चुका है कि गलत कर्म किए परिणाम मिल रहा है तो अब अच्छे कर्म करना चाहिए। हम अच्छे कर्म क्यों नहीं करते हैं? लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है, ये बात गलत बात है। जो कुछ होता है प्रकृति के नियम के आधार पे होता है, भगवान की कृपा नहीं है इसमें, किसी भगवान की कृपा नहीं चाहिए इसमें। लोग भगवान को जबरदस्ती बिठा देते हैं। जैसा जैसा आदमी कर्म करता है वैसे वैसे उनको फल मिलता है। लोग ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से होता है, तो क्या जो नक्सलाइट है, जो आतंकवाद है, जो गलत कर्म करते हैं उनको भी भगवान की कृपा है? इसका उत्तर लोगों के पास नहीं है। वो भी भगवान की कृपा से हो रहा है। अभी दंगा हुआ वो भी भगवान की कृपा है? इसका उत्तर लोगों के पास नहीं है। अपने कर्मों के अनुसार से लोगों को फल मिलता है, इसमें भगवान की कृपा की जरूरत नहीं है। इसलिए कर्मों को सुधारे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कर्म कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, भोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। यदि आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम नहीं मिल सकता है। अभी आपके यहाँ मक्का की खेती है, गेहूं की खेती है,
क्या आप काटेंगे तो मक्के और गेहूं की जगह में आपको धान का फसल मिल जाएगा? चावल काट लेंगे क्या उसकी जगह अन्य फसल काट लेंगे? ऐसा नहीं होता है। जो बीज आप बोते हैं वही फसल आप काटते हैं। यदि बीज आपको फसल नहीं चाहिए, वो फसल नहीं चाहिए तो आप बीज बदल देते हैं। बीज बदल देते हैं मतलब जैसे आपके यहाँ भी मक्के की है और मक्का नहीं चाहिए आपको, धान चाहिए, तो धान का बीज रोपना शुरू करते हैं तो कुछ महीनों बाद आप धान का फसल काटते हैं। यदि जीवन में आपके साथ घृणा है, आपके जीवन में वैमनस्य है, आपके जीवन में लड़ाइयां हैं, आपके जीवन में द्वेष है, राग है, वो फसल आप नहीं चाहते हैं तो आप प्रेम का फसल बोना शुरू कर दीजिए, सम्मान का फसल बोना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में वही फसल मिलेगी। लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसे नहीं किया पर हमको क्यों मिल रहा है? हमने ही किया है, कहीं ना कहीं अवचेतन मन से हमने ही वो कर्म किया है जिसकी वजह से वो फसल हमको मिलता है, वो परिणाम हमको मिलता है। आपके ऊपर है गलत कर्म करना, आपके ऊपर है अच्छा कर्म करना, आपके ऊपर है। समय और शक्ति उतना ही लगता है, जितने समय और शक्ति में, जितने समय में आप किसी की निंदा और चुगली कर सकते हैं उतना ही समय में आप किसी की प्रशंसा कर सकते हैं। जितना समय में आप किसी को गाली और गलौज देते हैं उतना ही समय में किसी को मुस्कुरा, किसी के चेहरे पे मुस्कान भर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना समय और शक्ति कहाँ लगाते हैं? गलत जगह। परिणाम दूसरे को भी रुलाते हैं और अपने भी रोते हैं। दूसरे के लिए भी दुखप्रद होता है और अपने लिए भी दुखप्रद होता है। इसलिए अच्छा बीज बोए। जितने समय में हम किसी की सेवा कर सकते हैं उतना ही समय में हम किसी को मार देते हैं, परिणाम क्या होता है? समय और शक्ति उतना ही लगता है लेकिन परिणाम जस्ट विपरीत आता है, एकदम विपरीत परिणाम आता है। यदि हम किसी की सेवा कर किसी की सेवा करते हैं उसका परिणाम अलग आता है, और किसी को वही हाथों से किसी को प्रहार कर देते हैं उसका परिणाम अलग आता है, और परिणाम के अनुसार से जीवन के नक्शे बदल जाते हैं। जीवन के नक्शे बदल जाते हैं, नक्शे बदलते हैं, वर्तमान अच्छा होता है और वर्तमान अच्छा होता है उसी के अनुरूप भविष्य का निर्माण होता है। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं, बीत गया सो मुर्दा है, कल आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय अपना है। जो बीत गया सो मुर्दा है, लोगों के दिमाग में बार बार वही बातें घूमती है, मैंने जीवन में ऐसा गलत कर्म किया, ऐसे गलत कर्म किया, इसलिए उन गलत कर्मों को अब छोड़ दीजिए। अब क्या करना है उन गलत कर्मों को छोड़ना है तो जैसे एक आदमी नदी के किनारे बैठा है और सुबह सुबह 5-6 बजा है और नदी के किनारे बैठा है, बैठे थे वहीं पर बगल में एक कांच का एक पत्थर दिखाई दिया उनको। उन कांच के पत्थर को पानी के लहरों में फेंकता और लहरों में वो पत्थर तरंगायित होकर के 3-4-5 बार तरंगायित होकर के आगे बढ़ता चला जाता। वो पत्थर फेंकता है, फेंकते ही रहता है। अब वो करता क्या है, फेंकते फेंकते उनको 7 बज गया, बैठा है अकेले, आनंद में है, पत्थरों को फेंक रहा है, उनका तरंग देख रहा है। लेकिन जैसे ही प्रकाश होती है, सूर्य की किरणें पड़ती है तो उनको समझ में आता है ये साधारण पत्थर नहीं है, तो बेशकीमती हीरे हैं। तुरंत वहीं रुक जाता है, उनके पास मात्र शेष 2 पत्थर बसता है, तुरंत वहीं रुक जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या करता है, उन गलती पे पश्चाताप तो होता है लेकिन उसको भूल जाता है। वो 2 पत्थर बाकी उसको नहीं फेंकता है, उन 2 पत्थर को लेकर के जहोरी के पास में जाता है और जहोरी से उसको बदल करके उसका धन ला करके अपने जीवन के संग्रह करने वाले वस्तुएं हैं, जीवन में जो सामग्री है, उपयोग वस्तुएं हैं, वो चीजों का निर्माण करता है। उन 2 पत्थर से उनका जीवन का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो बीत गया उन पे पश्चाताप नहीं करता है, वो रोता नहीं है क्योंकि उसको फिर से पुनः लौटाया नहीं जा सकता है। आपका बीता सो बीत गया,
उन बीते समय पर, बीते लम्हों पर अपना समय और शक्ति को बर्बाद मत करें। जो शेष लम्हे बचे हैं, जो शेष वक्त बचा है, जो शेष समय बचा है, उनको इतना आनंद से जिए, इतना तरंगायित होकर के जिए कि आपके चेहरे की प्रसन्नता भी बरकरार रहे और मन की भी प्रसन्नता बरकरार रहे, चेहरे में मुस्कान बनी रहे और मन में प्रसन्नता बनी रहे। कहीं भी, कहीं किसी भी कोने में चले जाइए दुनिया के, आपके मन में वो प्रसन्नता बनी रहे और चेहरे में मुस्कान, जिससे भी आप मिलो लोग कहे वास्तव में इस आदमी के अंदर आत्मीयत है, इस आदमी के अंदर प्रेम झलकता है, इस आदमी के अंदर एक कोहिनूर हीरा की तरह ये आदमी हर तरह से चमकता है। इनका बोलना, इनका चलना, इनका देखना, इनका व्यवहार, इनकी वाणी, इनका जीवन, इनका हर क्रियाकलाप बेशकीमती जीवन जी रहा है। इसलिए आपके पास जो समय शेष बचा है, उन शेष समय को गलत होने न मत दीजिए, गलत कर्म होने न दीजिए, गलत विचार ना आने दीजिए, उनको सही दिशा मिल जाए, सही दिशा मिल जाए। एक आदमी रोज कुछ लिखता था, रोज कुछ लिखता था, ऐसे ऐसे विचार लिखता था, ऐसे ऐसे जो विचार मन में आता लिखता जाता और उनको बस लिखना था, अच्छा लिखना था। एक दिन धीरे 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 लिखते लिखते एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि अब अच्छा लिखना शुरू कर देता है और जब भी उन विचारों को पढ़ता तो उनका, उनके मन में एक नया तरंग पैदा हो जाता, क्या गजब है लिखा है मैंने अपने ही लिखावट पर। जो पुराने शेष जो गलत वाक्य लिखा था उनको करता क्या है, लगभग 365 दिन में उन्होंने 200 दिन गलत वाक्य लिखा, शुरू किया लेकिन 200 दिन गलत वाक्य लिखा। वो करता क्या है, 200 पेज उठाता है और 200 पेज को स्टेपलर कर देता है, उन 200 पेज को स्टेपलर कर देता है और जब भी अब वो कॉपी खोलता है तो प्रथम पेज जो अच्छा वाक्य लिखा है 201वां दिन का वो पेज खोलता है। आपके जीवन में भी आप ऐसे कर सकते हैं। जो बीत गया उन चीजों को आप छोड़ देते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीते ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। बीते ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले। बीत गया उन चीजों को बिसार दो, छोड़ दो, आगे की सुधी ले, आगे कुछ आगे की सुधी ले। सुधी का मतलब निर्माण करना, आगे के बारे में सोचना। एक आदमी के घर घर जाएंगे आप और कहेंगे भाई साहब आपके पास कैलेंडर है क्या, वो कैलेंडर निकाल के देगा, कहेंगे 4 साल पुराना कैलेंडर दे दो। वो आदमी कहेंगे भाई साहब मेरे पास 4 साल का, 1 साल पिछले साल का कैलेंडर नहीं है मेरे पास। वो आदमी 1 साल बाद पुराना कैलेंडर हटा देता है। हमारे मन में कितने कैलेंडर पड़े हैं, कितने साल के कैलेंडर, 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले पिता ने ऐसे कहा था, पड़ोसी ने ऐसे कहा था, माँ ने ऐसे कहा था, पति ने ऐसे कहा, पत्नी ने ऐसे कहा, बच्चे ने ऐसे कहा, उन पुराने चीजों को लेकर के, पुराने चीजों को याद कर करके गड़े मुर्दों को उखाड़ने की तरह हम गड़े मुर्दों को उखाड़ते रहते हैं। और जब जब आदमी गड़े मुर्दों को उखाड़ते हैं तो सड़न की बदबू आती है। जब जब हम पीछे गलत विचारों को देखते हैं, गलत कर्मों को देखते हैं तो हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, हीनता भाव से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन हम अच्छे कर्म करते जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे काम होंगे, खेत खलिहान का काम, ड्यूटी, ऑफिस, घर परिवार, सब कुछ देखना, सब कुछ करना होता है। लेकिन हम अपने जीवन में एक विषय और जोड़ना चाहते, अपने जीवन में इन सारे विषयों के बाद एक विषय और जोड़ना चाहिए। अब मुझे जीवन का निर्माण करना है, अब मुझे जीवन को सही दिशा की ओर ले जाना है, सही दिशा की ओर ले जाना है। यदि ये काम हम रोज करना शुरू करते हैं ना तो हमारा निर्माण होना, हम खुद का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन को हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है, हमारे जीवन को हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता है, खुद हम अपने जीवन के निर्माता है, हम ही अपने मालिक है, हम ही अपने खुदा है, हम ही अपने देवता है। अलग से देवी देवता, अलग से खुदागाड़, अलग से अल्लाह परमात्मा यदि ढूंढते चले तो कहीं नहीं मिलने वाला, और ना ही सुख अलग से मिलेगा, ना ही अलग से शांति मिलने वाली है, ना अलग से प्रेम मिलेगा, ना अलग से सत्य मिलेगा।
सत्य प्रेम सुख शांति जिसको हम परिभाषित करते हैं, क्या ये आपसे कहीं अलग है जो लोग कोई ला करके आपके अंदर फिट कर दे? ये अलग नहीं है, आपके अंदर है। कोई आदमी अपनी जेब पर 10 लाख रुपया लेकर के चले और बड़े से बड़े दुकान में चलता चला जाए और पत्ती दुकान में कहे भाई साहब मुझे 1 तोला सुख दे दो, तो कहेंगे आदमी कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया है? सुख को पैसा से खरीदना चाहता है। और शायद ऐसे पागल बहुत लोग हैं इस दुनिया में, सुख को पैसा से खरीदने चाहते हैं। सुख से भौतिक संपदा मिल सकती है लेकिन सुख से शांति नहीं मिलने वाली है। सुख से ईश्वरीय का साधन खरीदा जा सकता है लेकिन सुख से मन की मस्तांगनी नहीं खरीदा जा सकता। मन की मस्तांगनी और शांति ये तो संतों के बाजार में मिलता है, संत लोग इसको बेचा करते हैं। इसलिए गुरु से लगन कठिन भाई, ये गुरु से लगन होगा तभी ये प्राप्त हो सकता है। जब तक गुरु के प्रति प्रीत नहीं होगी, गुरु के प्रति आस्था नहीं होगी, तब तक हम सत्य के प्रति सत्य से जूझ नहीं पाएंगे, सत्य से जागरूक नहीं हो पाएंगे, सोए हुए जिंदगी जिएंगे। इसलिए हम सही दिशा में चले, गलत कर्मों को बंद करें और सही कर्मों का निर्माण करें। एक आदमी अपना एक पात्र रखता है और पात्र में साफ पानी डालता जाता है, साफ पानी डालता जाता है और कहता है कि मैं बहुत साफ पानी इस पात्र में डाला पर भी पानी पात्र साफ नहीं हो रहा है, कारण क्या है? वो आदमी को ये पता है कि ये पानी तो बाहर से मैं साफ पानी डाल रहा हूँ लेकिन एक कोने एक छिद्र से बाहर से उसमें गंदा पानी भी प्रवेश कर रहा है, तो साफ नहीं हो सकता है। करना क्या है हमको? जो हमारे अंदर बाहर से जो गलत विचार आ रहे हैं उसको बंद करना है, अच्छे विचारों को स्थान देने के लिए। यदि सत्संग भी कर रहे हैं, सत्संग वार्ता भी कर रहे हैं, संत जनों की सत्संग कर रहे हैं, ज्ञानवर्धक विचारों ग्रहण भी कर रहे हैं और इधर से गलत विचारों से भी जुड़े हैं, तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। मैं कह रहा था कि हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमको फल मिलता है। एक बहुत बड़ा व्यापारी बिल्डर का काम करता था, बिल्डर का काम करता था, तो उनके पास एक व्यक्ति था जो बिल्डर बिल्डिंग बनाता, उनको उसका टेंडर लेता, ठेका लेता, फिर दूसरा बिल्डिंग बनाता, फिर दूसरा बिल्डिंग बनाता, ऐसा उनका प्रक्रिया था, उनका काम था। उनके मन में हुआ अब मुझे काफी समय हो गए बिल्डिंग बनाते बनाते, अब यह काम मैं बंद करता हूं, अब मैं काम नहीं करूंगा। अपने ठेकेदार से, अपने मालिक से बोलता, सर अब यह काम मेरे से नहीं होगा, अब मैं शांति से जीना चाहता हूं, मैं यह काम अब बंद करूंगा, अब यह काम नहीं कर सकता। बहुत कहने के बाद ठेकेदार उनको फिर कहे कि तुम एक बिल्डिंग और बना दो, उसके बाद बंद कर देना, जितना अच्छा से अच्छा हो सके बनाना, उसके बाद बंद कर देना, तुम्हारी मर्जी है, नहीं करने का तो मत करना। उस व्यक्ति के मन में नहीं था कि मैं फिर से नया बिल्डिंग बनाऊं, यह काम बंद करूं, यही मन में था, पर भी उनके दबाव से वह व्यक्ति बनाता है। उनके मन में उत्साह नहीं था काम के प्रति, उनके मन में जो रफ्तार होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा निर्माण कर सकूं, ये नहीं था। वो आदमी मकान बनाता उदासी मन से मकान बना रहा था, जैसे तैसे काम चलो मकान बनाता गया, जैसे तैसे मटेरियल सही नहीं डाला, सीमेंट भी सही नहीं डाला, गिट्टी छड़ भी सही नहीं डाला, एक नया मकान खड़ा तो कर दिया, बाहर से चमक रहा था लेकिन उसकी मजबूती नहीं थी। बना तो दिया मकान, पूरा मकान बनाने के बाद वह व्यक्ति, वह ठेकेदार अपने मकान को पूरा कंप्लीट करने के बाद में मकान मालिक को मकान की चाबी देता है। चाबी देते ही मकान मालिक उनसे कहते हैं
एक दिन हम एक पार्टी रखेंगे तुम्हारी विदाई में, तुम अब बिल्डिंग का काम बंद कर रहे हो और उसमें आपको कुछ गिफ्ट देंगे। वह व्यक्ति बहुत बड़ा पार्टी, बहुत बड़ा फंक्शन करता है और एक पार्टी देता है, उसमें उनका सम्मान किया जाता है और सम्मान करते करते उनको गिफ्ट के रूप में जो मकान बनाया था ठेकेदार, वही मकान का चाबी उस व्यक्ति को देता है, वही मकान का चाबी उस व्यक्ति को देता है। वो आदमी चाबी देखते ही सन्न रह गया, इतना पश्चाताप हुआ उनको, इतना पश्चाताप हुआ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, आज तक मैंने जितने मकान बनाया आज तक वो मकान में कोई कमजोरी नहीं, कोई भी जगह नुक्स नहीं था, लेकिन मैंने अपने ही लिए मकान बनाया, उसमें इतना जर्जर सामान डाला गया है, मकान की तो लाइफ ही नहीं, वो बोल नहीं सकता था, वो व्यक्ति बोल नहीं सकता था कि मकान की स्थिति ठीक नहीं है, मकान की कंडीशन ठीक नहीं है। वो आदमी चुपचाप जो ठेकेदार जो मालिक है उनकी गिफ्ट दिया हुआ मकान का चाबी लेता है और पश्चाताप करते करते घर जाता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की अपने जीवन के साथ। कहीं आपका अंतिम काम भी ऐसा ना हो जाए कि आप अपने जीवन में पश्चाताप करते रह जाए, आपके अंतिम काम भी ऐसे न रह जाए कि मैंने जो काम करना चाहिए था अंतिम में वो काम नहीं किया, मैंने गलत काम किया और अंतिम में पश्चाताप करते करते इस दुनिया से विदा हो जाए, जीवन की सफलता नहीं असफलता हो जाए। जीवन की सफलता है जब आप इस दुनिया से जाए तो संतुष्टि भरा जीवन हो, जब आप इस दुनिया से जाए तो संतुष्टि भरा जीवन, ये जीवन की सफलता है। आपने कितने बिल्डिंगें बनाया, कितने गाड़ियां खरीदे, कितने बच्चे हैं, कितने धन दौलत है, कितनी डिग्रियां हैं, ये जीवन की सफलता नहीं है, ये तो बाहरी चीजों की सफलता है। आपकी सफलता है कि इस दुनिया से जब विदा हो तो संतुष्टि भरा जीवन। हम असंतुष्ट होकर इस दुनिया से जाते हैं, हम असंतुष्ट होकर के इस दुनिया से जाते हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम पीड़ित होते हैं, व्याकुल होते हैं, बेचैनी जीवन जीते हैं। क्या सफलता यही जीवन की सफलता है? कुछ लोगों से पूछा जाए जीवन की सफलता क्या है तो कहेंगे साहब जी जीवन की सफलता तो मेरी ये है, मेरे 4 मंजिला मकान था उसको 6 मंजिला बना दिया, 2 एकड़ था उसको 4 एकड़ कर दिया, 2 गाड़ियां थी उसमें 6 गाड़ी खड़ी कर दिया, बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे उसको पढ़ा लिखा दिया, ये तो मेरी जीवन की सफलता है। ये जीवन की सफलता नहीं है, आपकी जीवन की सफलता है संतुष्टि भरा जीवन। हम असंतुष्ट होकर के इस दुनिया से जाते हैं, असंतुष्ट होकर के इस दुनिया से जाते हैं, ये जीवन की कमाई नहीं है। जीवन की कमाई वो होना चाहिए जब जहां जैसे भी स्थिति में रहे आपका मन प्रसन्न हो, आपके चेहरे में मुस्कान हो, ये आपकी कमाई है। जैसे पके फल मीठे होते हैं वैसे वैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल उम्र बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारे मन भी पकता चला जाना चाहिए और हमारी अवस्था के अनुसार भी हमारी वाणी में भी मिठास होना चाहिए, हमारी वाणी करकर होता चला जा रहा है। 30 साल 40 साल 50 साल 70 80 साल हो जाते हैं, कुछ लोगों को बोलने की कला नहीं आती है, कुछ लोग कर कर बोलना शुरू कर देते हैं, मीठे पके फल मीठे होते हैं, बुढ़ापा अवस्था में बहुत मीठे और प्यार से बोलना चाहिए, लेकिन इतने कड़वे बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति जहर उगलता हो, वैसे वैसे बुढ़ापे अवस्था में कुछ लोग बोलते हैं। आपके लिए दुखद यात्रा होगा, आपके लिए दुखद यात्रा होगा, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इतना अच्छे और प्रेम से बोले कि आपके बच्चे आपके नाती पोते आपके परिवार के सदस्य आपके चाहते हो जाएं, आपको आपको सम्मान दे, आपसे प्यार करे, आपको सत्कार करे, आपके करीब जाने का प्रयास करे, ये जीवन की आपकी सफलता है। और जीवन में आपने ये नहीं किया तो आप असफल व्यक्ति कहलाए जाएंगे। मैंने शुरुआत की थी अपनी बातें
कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है, इसलिए अच्छे कर्मों का निर्माण करें और जीवन में सुख और शांति को महसूस करें, यही जीवन की कमाई है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।